फैशन क्षेत्र की नामचीन मॉडल्स द्वारा खूबसूरत फैशन शो के पश्चात आज पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए मैसेंजर्स ड्रीम वेडिंग्स की मालकिन रश्मि बिंद्रा ने जीरकपुर स्थित पार्क प्लाजा में आयोजित होने वाली फैशन एग्जीबिशन अपटाउन मेडले के विषय से अवगत करवाया। We have for the first time designers like Abhi Singh, Abdul Haldar, Varija Bajaj, three main designers in this event. And of course, we have designers like Sanam Tamanna from Dubai. We have PC Jeweler, we have Aura Diamonds, we have Age Wills, and we have Jagdish Jewelers from Chandigarh. So it's a very high-end creating, as the name suggests, it's uptown. So there is going to be everything, you know, there are few brands like Rays Designers, then Rumors from Mumbai, then Cinesure from Mumbai. They're going to be beautiful stuff. I mean, it's a not to miss exhibition. That's what I wanted to tell, you know, it's the first time that we're doing, so we would ask everybody to be here to enjoy the festivity. हैंडमेड को बढ़ावा देने की पहल जो कभी पहले नहीं हुई अब पूरी होगी। चंडीगढ़ हाईवे स्थित जीरकपुर के पार्क प्लाजा में ये 3 दिवसीय लग्जरी एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन 29, 30 और 31 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इस एग्जीबिशन में डिजाइनर वेयर, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स, राखियां, फल मार्केट, होम डेकोर, बच्चों के लिए फन एंड फूड, लेडीज के लिए तीज क्वीन, मेहंदी एंड टैटू आदि अन्य गतिविधियां भी शामिल होंगी। अपटाउन मेडले, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ये एग्जीबिशन एक प्रयास है उन डिजाइनर्स और उनकी कौशलता का जो अपनी विभिन्न कढ़ाइयों, कट्स और कलात्मक फीचर्स को एक साथ पेश कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ सोनिया जी मौजूद हैं, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये जो कमिंग है अपटाउन मेडले फैशन जो इवेंट आने वाला है, एग्जीबिशन है, उसको प्रमोट करने के लिए रूबरू हो रही हैं और दो लव्स इसके बारे में हमें ज़रूर बताना चाहेंगी। तो सोनिया जी, आप हमें बताएं कि ये जो अपकमिंग एग्जीबिशन है अपटाउन मेडले, उसके बारे में आपका क्या कहना है हमारी जनता को? अपटाउन मेडले हमने एक हैंडक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए, जैसे मी एंड रश्मि, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो दिस टाइम वी आर इन एज अ चैनल पार्टनर आई एम डूइंग वर्क ऑन अपटाउन मेडले के लिए, कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा बेल्ट्स को उठाना है। जीरकपुर में हमारा मेन कारण ही यही था कि हमने जो अपना एग्जीबिशन रखा उसमें हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करना है। मोर ओवर जीरकपुर में हमने अम्बाला, पटियाला, डेराबसी, मोहाली, पंचकुला एंड जो साथ में जो सबलेट्स हैं उनको उठा के लोगों को एक मौका देना था, एक चांस देना है कि वो भी अपने आप को आके यहाँ पे प्रमोट करें और एक लाविश एग्जीबिशन को एंजॉय कर सके। हमने भी खूब तैयारियाँ की हैं कि हर तरफ से तीज भी इसमें बीच में डाला है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी डाले कि लोगों को ये एक एग्जीबिशन ना लग के एक ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मिले कि वो इंजॉय भी करें। एग्जीबिशन है अपेरल्स को ध्यान रखते हुए, मैचिंग ज्वेलरी को ध्यान रखते हुए, फुटवेयर्स भी हैं, और कौन सी चीज़ें आप हाईलाइट करेंगे ना? See, this has basically a lot of rakhi also, handmade rakhi. Since this is a rakhi and a tej exhibition, so there are a lot of going to be very different kind of handmade rakhis and of course jewelry. And since we are promoting handmade, there is a lot of stuff which is going to be handmade. Then there is going to be mehndi walas, you know, churi walas. All those people are going to be there, and of course, kids. Yeah, there's an area for kids as well. So there are little activities that going to be carried out all throughout the exhibition. जैसा कि आपने देखा, खाली ये youngsters के लिए नहीं, ladies को भी ध्यान रखते हुए, बच्चों को भी ध्यान रखते हुए ये exhibition organize करी गई है। यहाँ पे खाली appearance नहीं, matching jewellery and matching footwear सब कुछ available है। तो keep coming, आइए और यहाँ पे ज़रूर आइए और enjoy करिए। Camera person परवीन के साथ प्रकृति।